आज हम आंवले का मुरब्बा बनाएंगे और आंवले में मिनरल्स आयरन के साथ साथ प्रचुर मात्रा में विटामिन सी ही होती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। आंवले का मुरब्बा अक्सर चीनी के साथ बनाया जाता है, लेकिन आज हम गुड़ के साथ बनाएंगे। जिन लोगों को गुड़ पसंद है, उन्हें आंवले का मुरब्बा गुड़ के साथ बहुत ही पसंद आएगा। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। ब्रजवासी व्यंजन फ्रॉम मथुरा में आपका स्वागत है। मैं हूँ सीमा पांडे। तो इस तरीके से आज हम आंवले का मुरब्बा बनाते हैं। मुरब्बा बनाने के लिए मैंने आंवले लिए हैं और इनको मैंने धो करके सुखा लिया है इनका पानी। ये आंवले वजन से नापे तो करीब 300 ग्राम है और मैंने लगभग 300 ग्राम ही गुड़ लिया है। आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया है। सर्दियों में आंवले आसानी से मिल जाते हैं और इनका मुरब्बा बना करके गर्मियों में खाया जा सकता है। तो इस तरीके से हम बनाना स्टार्ट करते हैं आंवले का मुरब्बा। हम आंवलों को भाप पर पकाएंगे, जिससे इसके सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद रहें। आंवलों को भाप पर पकाने के लिए मैंने एक बर्तन में पानी लिया है और इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब पानी में उबाल आ गया है और मैं इस पर एक छलनी रख देती हूँ और उन पर मैं धुले हुए अपने आंवलों को रख देती हूँ। इस तरीके से हम सारे आंवलों को रख देंगे और इसको किसी बर्तन से ढक देंगे। करीब 8 से 10 मिनट में आंवले पक कर के तैयार हो जाएंगे। करीब 10 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारे आंवले हो गए हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरीके से मैंने सारे आंवलों को निकाल लिया है और अभी थोड़े से गर्म हैं, इनको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। उसके बाद हम आगे का स्टेप करेंगे। अब हमारे आंवले थोड़े से ठंडे हो गए हैं। अब हम एक फॉक की सहायता से इनको गूंदेंगे और ये काफ़ी सॉफ्ट हैं, आसानी से गूंद जाते हैं। इस तरीके से हम सभी आंवलों को अच्छे से गूंद लेंगे। इस तरीके से हमने सभी आंवलों को अच्छे से गूंद लिया है। अब हम एक कांच का जार लेंगे और उसमें सभी आंवलों को डाल देंगे। आंवले के ऊपर गुड़ को डाल देंगे और 2 दिन के लिए हम इसको ढक कर के रख देंगे। आप चाहो तो 2 दिन धूप में भी रख सकते हैं, जिससे अच्छे से जल्दी से गुड़ मेल्ट हो जाए। इस तरीके से मैंने सारे गुड़ को डाल दिया है और इसको 2 दिन के लिए ढक कर के रख देंगे। दो दिन हो गए, देखिए हमारा गुड़ मेल्ट हो गया है। देखिए, इसका आंवलों ने जूस छोड़ दिया है और हमारे गुड़ जो है बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। और आप यदि इस तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। आप इसको लगातार 20 से 25 दिन धूप में रखें तो इस तरीके से भी गुड़ का मुरब्बा बन करके आंवले का तैयार हो जाता है। अगर आप इंस्टेंट बनाना चाहते हैं, यानी बना करके तुरंत ही खाना चाहते हैं, तो मैं अभी बताती हूँ किस तरीके से बनाते हैं। आज हम इंस्टेंट गुड़ का आंवला बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है और पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें हम ये चाशनी को थोड़ा गाढ़ा करेंगे। हमारी चाशनी अभी पतली है, हम लगातार चलाते हुए चाशनी को गाढ़ा करेंगे। अब करीब 5 मिनट हो गए और हमारी चाशनी भी गाढ़ी हो गई है। मैंने इसे लगातार 5 मिनट करीब चलाया है। अब मैं इसमें आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच काली मिर्च मिला देती हूँ। अगर आपको और स्पाइसी पसंद है तो इसमें आप चौथाई चम्मच गरम मसाला मिला सकते हैं, ये आपके पसंद के अनुसार है। ऑप्शनल है गरम मसाला, आप डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें ना डालें। तो इस तरीके से हमारा आंवले का मुरब्बा बनकर के तैयार है।
अब मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसे थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। अब हमारे आंवले का मुरब्बा ठंडा हो गया है थोड़ा सा। अब मैं इसको बाउल में निकाल लेती हूँ। इस तरीके से मैंने आंवले के मुरब्बे को बाउल में निकाल लिया है और ठंडा होने के बाद आप इसे जार में भर करके रख सकते हैं। और यदि आपको चाशनी कम लगे तो आप थोड़ी सी गुड़ की चाशनी बना करके डाल सकते हैं, जिससे आंवले का मुरब्बा लंबे समय तक चलता है। सर्दियों में आंवला आसानी से मिल जाता है और आप सर्दियों में आंवले का मुरब्बा बना करके गर्मियों में खा सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही ईजी तरीके से आंवले का मुरब्बा बनाइए, खाइए और खिलाइए। अपने अनुभव मेरे चैनल ब्रजवासी व्यंजन में शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ औरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।